आज की कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो YouTube की मदद से और एक लूपहोल से बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। आप भी इनके दिमाग की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत गौनी नाम की एक हाउसवाइफ के साथ होती है, जिसे आधी रात में उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो बिना किसी परेशानी के सरेंडर कर देती है। उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि ये सब कुछ महीने पहले कैसे शुरू हुआ था। कहानी अब पास्ट में शिफ्ट होती है। गौनी अपने पति रिक के साथ रहती है, जो IRS ऑडिटर के रूप में काम करता है। उनका रिश्ता तनावपूर्ण है। उन्हें बच्चा ना हो पाने के दुख का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण गौनी के ट्रीटमेंट के लिए अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ रही है। दुख की बात है कि गौनी प्रेग्नेंट तो हो गई, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद रिक ने एक ऐसी नौकरी कर ली जिसके लिए उसे हर महीने में 3 हफ्ते ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे गौनी अकेला महसूस करने लगी है। जब घर पर रिक होता है तो उनकी बातचीत ठीक से नहीं होती। वो लगातार गौनी से शिकायत करता है, उसे उसकी बेरोजगारी और उसके ट्रीटमेंट के लिए हुए खर्चों की याद दिलाता है। वो उस पर खचीरा होने का इल्ज़ाम भी लगाता है। उसके कूपन क्लिपिंग की आदत के लिए उसे डांटता है। गौनी कूपन इकट्ठा करती जाती है और उससे प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदती जाती है। वो सारा सामान अपने बच्चे के लिए बनाए गए कमरे में भर देती है, जिससे उसकी दीवारें ढक जाती हैं और इससे उसके बे औलाद होने का दुख भी ढक जाता है। रिक के लगातार दूर रहने का एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि गौनी को अपनी पड़ोसी जोजो से दोस्ती करने का मौका मिला। जोजो सेविंग टिप्स पर फोकस्ड एक यूट्यूब चैनल चलाती है और कूपन्स के लिए गौनी की आदत को समझती है, क्योंकि उसे भी ऐसी ही सेविंग्स की आदत है। जोजो अपनी माँ जोसी के साथ रहती है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम अर्ल है, जो एक मेल मैन है। इसके अलावा जोजो घर घर जाकर मेकअप बेचने की कोशिश करती है, हालांकि उसकी कोशिश अभी कामयाब नहीं हुई है। जब भी गौनी सुपरमार्केट जाती है तो वो कैशियर ग्रेग को अपनी खरीदारी के लिए कई कूपन्स देती है, हालांकि जिसकी वजह से बाकी लोगों को लाइन में काफी देर खड़े रहना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कूपन्स उसके बिल को घटाकर सिर्फ $16 कर देते हैं। गौनी अक्सर एक कहावत को दोहराती है, पैसों पर नजर रखें और डॉलर अपना ख्याल खुद रखेगा। एक दिन जब वो सामान को रखती है तो उसकी नज़र बच्चों के वॉलपेपर पर जाती है। उस पर दुख की लहर हावी हो जाती है। अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए वो सीरियल खाना शुरू कर देती है और उम्मीद करती है कि इससे उसका दुख कम हो जाएगा। बदकिस्मती से सीरियल बासी है, जिसके कारण गौनी ने सीरियल कंपनी को शिकायत से भरा एक ईमेल भेज दिया। कुछ दिनों बाद उसे कंपनी से फ्री सीरियल कूपन के साथ एक लेटर मिलता है, जिसमें प्रोडक्ट की लो क्वालिटी के लिए उससे माफ़ी मांगी जाती है। वो खुशी से इस कूपन को रिडीम करने के लिए स्टोर में जाती है। ग्रेग उसे कहता है कि वो स्पेशल नहीं है। कंपनी अक्सर अपने ऐसे कस्टमर को फ्री कूपन्स भेजती है जिनको उनसे कोई शिकायत होती है। गौनी को यहाँ एहसास होता है कि कंपनियाँ अक्सर शिकायत करने वाले कस्टमर्स को मुफ्त कूपन्स भेजती है। इस लूपहोल को जानकर गौनी और भी कई कंपनीज को शिकायतों से भरा ईमेल भेज देती है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे कूपन्स इकट्ठा हो जाते हैं। अपनी इस कामयाबी से खुश होकर गौनी जोजो को अपना कलेक्शन दिखाती है और अपना एक्सपीरियंस उससे शेयर करती है। जोजो गौनी से कूपन्स खरीदने की ऑफर रखती है, क्योंकि कूपन्स खरीदना सस्ता होगा बजाय पूरी कीमत के किसी प्रोडक्ट को स्टोर से खरीदना। यह आइडिया गौनी के दिमाग में एक खुराफात को जन्म देता है। उसे समझ आ जाता है कि फ्री में मिलने वाले सामान को बेचने से उसे 100% प्रॉफिट होगा और ये एक अच्छा बिजनेस साबित होगा। दोनों ने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया। गौनी को पता चलता है कि कूपन मैक्सिको में बनाए जाते हैं। जहां वो रहती है वो जगह वहां से ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों वहां जाकर कूपन्स चुराने का प्लान बनाते हैं, ताकि उसे लोगों के बीच बेच दिया जाए। जोजो ऐसा करना नहीं चाहती, पर वो कर्ज के तले दबी हुई है, इसलिए वो इस प्लान के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केन नाम का एक आदमी मार्केट में नुकसान रोकने के अधिकारी के रूप में काम करता है। वो एक बाजार में अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेनदेन के दौरान उसे एक नकली कूपन का पता चलता है। कैशियर बुजुर्ग कस्टमर के स्टोर के साथ लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते के कारण इस मौके को अनदेखा करने को कहता है, पर केन ऐसा करने से इनकार कर देता है। केन में किसी से अच्छा बर्ताव करने की भारी कमी है। ऐसी ही एक घटना तब होती है जब वो एक एरोप्लेन में चढ़ता है। तभी एक माँ उससे गुजारिश करती है कि वो उसकी बेटी को विंडो सीट दे दे, ताकि वो बाहर के नज़ारे को देख सके, पर केन उसे मना कर देता है। केन अपने घर लौट आता है, जहाँ वो अकेला रहता है। वो अपने आप से और जिंदगी से बहुत चिढ़ा हुआ है। वो गुस्से में टीवी के सामने बैठकर चिल्लाता है। इस बीच मैक्सिको में गौनी और जोजो कूपन फैक्ट्री पहुँच जाते हैं और स्टाफ को अपनी शिफ्ट खत्म करते हुए देखते हैं।
दोनों एलियांड्रो और रोजा नाम के एक कपल से कांटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं। दोनों उनका पीछा करते हैं और उनके घर पहुंच जाते हैं। कॉनी और जोजो ने अपने इरादों के बारे में उन्हें साफ साफ बताया और उन दोनों का विश्वास हासिल किया। दोनों मेक्सिको में कूपन्स चुराने और उन्हें यूएसए में बेचने की प्लानिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें प्रॉफिट के तौर पर उन्हें हिस्सा दिया जाएगा। एलिहेंड्रो और रोजा अपनी जिंदगी में पैसों की कमी से जूझ रहे हैं। खासकर रोजा प्रेग्नेंट है और उन दोनों की सैलरी उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। रोजा ने एलिहेंड्रो को समझाया कि ये मौका उनके बच्चे के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो दोनों कॉनी और जोजो के साथ शामिल होने का फैसला करते हैं। रोजा ने एलिहेंड्रो के साथ एक जोखिम भरे बिजनेस की नींव रखी जो उनकी जिंदगी बदल सकती है। इस काम के लिए प्लानिंग करने में उन्हें कुछ खास परेशानी नहीं हुई। कूपन फैक्ट्री दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा प्रिंटिंग का है, जहां एलिहेंड्रो काम करता है, और दूसरा हिस्सा रिडेम्पशन का है, जहां रोजा काम करती है। आमतौर पर दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे की चीजों से अनजान होते हैं। एलिहेंड्रो इन एक्स्ट्रा कूपन्स को कॉनी और जोजो को भेजने का फैसला करता है। जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक यूएसए में उनके बाकी कूपन्स को लेकर जाएगा, तो उसी में कॉनी का एक बॉक्स भी डिलीवर होने चला जाएगा। इन कूपन्स के साथ बॉर्डर पार करने की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ कूपन्स के डब्बे ही होंगे जो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, और उसमें ऐसा कुछ भी सामान नहीं है जो इलीगल हो। कुछ दिन बाद कॉनी और जोजो को कूपन का पहला बैच मिलता है। दोनों ने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई जिस पर वो इन कूपन्स को बेचते हैं और उसका प्रमोशन जोजो के यूट्यूब चैनल से करते हैं। उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है और इससे उन्हें उम्मीद से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है। हालांकि सुपरमार्केट ने कूपन की इस चाल को नोटिस करना शुरू कर दिया। केन को इस केस से रिलेटेड कई शिकायतें और जानकारी मिली। उसे काम दिया गया कि कंपनी को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसकी वजह का पता लगाया जाए। केन इन कूपन्स का पता लगाने के लिए सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे कुछ कस्टमर्स की खरीदारी के बदले कुछ कूपन्स मिले हैं। हर कूपन के पीछे उसे क्रेडिट कार्ड का नंबर मिलता है, जिसका उसे पता लगाना है। मुसलसल कोशिशों के बाद केन को एक हाउसवाइफ के पास एक कूपन मिला, जिससे उसे कूपन बेचने वाली एक वेबसाइट का पता चला, जिसे यूट्यूब पर एक लड़की ने प्रमोट किया है। केन अपने ऑफिस लौट कर आता है और उस वेबसाइट को चेक करता है। उसे वहाँ उस वेबसाइट पर एक बात लिखी मिलती है, अगर आप पैसों पर नजर रखेंगे तो डॉलर अपना ख्याल खुद रखेंगे। इस बीच कॉनी और जोजो को एक झटका लगा, क्योंकि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्योंकि उनके अकाउंट में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पैसे आ रहे थे। अकाउंट अनब्लॉक कराने के लिए उन्हें साबित करना होगा कि उनका बिजनेस गैर कानूनी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वो इस काम को कैसे करें। उन्होंने डार्क वेब पर एक फेमस हैकर टीना तक पहुंचने का फैसला किया और अपनी परेशानी बताते हुए उससे मदद मांगी। टीना कॉनी और जोजो को सख्त सलाह देती है कि वो दोनों इस काम को कुछ ज्यादा ही खुलकर प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उनका पता आसानी से लगाया जा सकता है। वो उन्हें जोजो के वीडियो को हटाने की सलाह देती है और उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें अपना काम कुछ ऐसा प्रेजेंट करना होगा कि जिससे वो गैरकानूनी ना लगे। इसमें उन्हें फर्जी आईडी, नया बैंक अकाउंट बनाना और अपने नए काम को खुफिया तरीके से चलाने के लिए नए घर की जरूरत होगी। अपनी असली पहचान से बचने के लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अपने द्वारा कमाए पैसों का उपयोग करने से पहले 6 महीने तक का इंतजार करें, ताकि उनकी असली पहचान से जुड़े किसी भी कनेक्शन को मिटाने का वक्त मिल सके। टीना 10% कमीशन के बदले उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। वो उन्हें इनक्रिप्टेड सेफ यूएसबी देती है, जिसमें वो अपना जरूरी डेटा रख सकते हैं। टीना के क्विक एक्शंस की वजह से इंटरनेट पर केन को ऐसा कुछ नहीं मिल पाता जिससे कि उनका पता लगाया जा सके। केन इस मामले को एफबीआई के पास ले जाता है, जो कूपन स्कैम को अहमियत नहीं देता और मामले को निचले स्तर के एम्प्लॉय अल्बर्ट को सौंप देता है। अल्बर्ट के पास कोई खास काम नहीं है, इसलिए वो इसे करने का फैसला करता है। वहीं कॉनी और जोजो जोजो के ब्यूटी ब्रांड के आड़ में अपना बिजनेस चलाते हैं। टीना के द्वारा दी गई नकली आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे तेजी से उनका बिजनेस फैलता जा रहा है। इस बीच केन रोजाना एफबीआई को मैसेज करता रहता है। 6 महीने के इंतजार के बाद कॉनी और जोजो पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। दोनों सबसे पहले पैसों को साफ करने का फैसला करते हैं। कॉनी को रिक की बात याद आती है, जिसमें उसने कभी कहा था कि हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव सामान खरीदना चाहिए, जिससे बाद में उसे फिर से बेचा जा सके, और उस सेल से जो पैसे मिलेंगे वो उनके साफ पैसे होंगे। वो बैंक से बात कर उनसे कैश में पैसा लेने के लिए मना लेती है और कहती है कि ये उनके कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए है, क्योंकि उन्हें नए एम्प्लॉयज को हायर करना है।
दोनों अपने गजब के सबसे महंगे शॉपिंग ट्रिप पर निकलते हैं। दोनों स्पोर्ट्स कार, बोट्स और प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि हैवी गन्स की खरीदारी की होड़ में लग जाते हैं। फिर दोनों लास वेगस के ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ वो अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। जोजो अपने पैसों का इस्तेमाल कर अपनी माँ के कर्जों को खत्म करना चाहती है, जबकि कॉनी फिर से माँ बनने की इच्छा को पूरा करना चाहती है। इस बीच केन को आखिरकार FBI से कॉल आती है, जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा है। अल्बर्ट ने उसे बताया कि ऑनलाइन जानकारी को कामयाबी से मिटा दिया गया है, जिससे इंटरनेट पर कूपन को ट्रैक करना नामुमकिन हो गया है। हालांकि कूपन्स मेल के जरिए भेजे जा रहे हैं। अल्बर्ट इस मामले में मदद करने के लिए एक एक्सपर्ट को भेजने के लिए कहता है। दो दिन बाद केन की मुलाकात साइमन से होती है। साइमन ने इस केस पर काम करने का फैसला किया है और सुझाव देता है कि केन सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट से कूपन्स को ऑर्डर करे। जब लिफाफा आता है तो साइमन को तुरंत पता चल जाता है कि इस पर कैंसर सिटी का लेबल लगा है, लेकिन ऑनलाइन स्टैम्प पर एक कोड से ये पता चलता है कि ये वास्तव में एरिजोना से आया है। साइमन आगे की जांच के लिए फिनिक्स की यात्रा करने की प्लानिंग बनाता है, क्योंकि उस जगह की सुपरमार्केट के बारे में केन पहले से जानता है, तो वो केन को साथ में शामिल होने के लिए कहता है। इस बीच कॉनी ने एक फर्टिलिटी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट तय की, जिसमें जोजो को सपोर्ट के लिए साथ ले जाती है। कॉनी ने अभी तक अपने पति को इस फैसले के बारे में नहीं बताया है। डॉक्टर ने खुलासा किया कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का ये उसका आखिरी मौका है। कॉनी ने इस ट्रीटमेंट में अपने पति के बजाय किसी डोनर को चुनना सही समझा। बाद में टीना कॉनी और जोजो से उनके पैसों के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए कॉन्टैक्ट करती है। ये जानकर वो गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने उसकी सलाह को गलत समझा। जोजो के ब्यूटी ब्रांड का इस्तेमाल करके पहले से ही उन्होंने पैसे साफ करने का काम कर लिया था। टीना ने उन्हें कहा कि वो अपनी महंगी खरीदारी को जल्द से जल्द बेच दें और शक से बचने के लिए धनराशि को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बैंक में रोजाना जमा कर दें। जब रिक एक बिजनेस ट्रिप से लौटता है और एक नया टीवी देखता है, तो कॉनी उसे बताती है कि उसने सेल्स जॉब का काम शुरू कर दिया है और कूपन्स को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। रिक का उसके लिए रवैया देखकर वो महसूस करती है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी के लिए डोनर को चुनने का सही फैसला किया है। इस बीच केन और साइमन ने कूपन वाले कस्टमर्स के बारे में कैशियर से पूछताछ करते हुए अपनी जांच जारी रखी। वो ग्रेग तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें इम्पोर्टेंट जानकारी देता है। हालांकि वो कॉनी को नाम से नहीं जानता, पर वो कैसी दिखती है वो उसके बारे में उन्हें बताता है, और कॉनी अक्सर जिस कहावत को दोहराती थी उस कहावत के बारे में वो जिक्र करता है कि पैसों पर नजर रखें और डॉलर अपना ख्याल खुद रखेंगे। केन को याद आता है कि उसने यही बात वेबसाइट पर भी पढ़ी थी। अगले दिन वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पास के पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि क्या कोई एक ऐसी महिला के बारे में जानता है जो ग्रेग के बताए अनुसार औरत से मेल खाती हो और कूपन से जुड़ी हो, जबकि पोस्ट ऑफिस में कोई भी कॉनी को याद नहीं कर पाता। पर जैसे ही कूपन के बारे में कहा जाता है, उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय अर्ल के बारे में बताया, जो जोजो के यूट्यूब चैनल को सेविंग टिप्स के लिए देखा करता है। वहीं कॉनी और जोजो को ईबे पर अपना सारा सामान बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है। जब दोनों एक कैफे में जाते हैं तो उन्हें दो आदमी मिलते हैं, जिनका ताल्लुक गन्स क्लब से है। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों क्लब का पता हासिल कर लेते हैं और बाद में बिक्री के लिए अपने हथियारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। जोजो अपनी सेल्स पिच से लीडर को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर वो इसमें अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों लीडर को अच्छा डिस्काउंट देने का वादा करते हैं अगर वो उनसे सारी गन्स खरीद लेता है। आखिरकार लीडर इस डील के लिए मान जाता है। केन और साइमन ने अर्ल से पूछताछ करना जारी रखा, जो चुप्पी साधे हुए है और अनजान बना हुआ है। अपनी रिहाई के बाद अर्ल जोजो के घर जाता है, उसके घर पर एक नोट छोड़ता है जो चतुराई से दूसरे लेटर्स के बीच में रख देता है, जिससे इसके बारे में जोजो की माँ जोसी को पता नहीं चलता। हालांकि अर्ल इस बात से अनजान है कि केन और साइमन जोजो के घर तक उसका पीछा कर रहे हैं। अब वो जब तक जरूरत पड़े तब तक घर के बाहर निगरानी बनाए रखना चाहते हैं। जब तक जोजो घर लौट कर आती है, तब तक रात हो चुकी होती है। उन्हें यहाँ एहसास होता है कि जोजो ही वो लड़की है जो यूट्यूब पर वीडियो डाला करती थी, जिसके बारे में उन्हें एक हाउसवाइफ ने बताया था। जोजो ने गन क्लब के साथ किए गए कामयाब सौदे के जश्न में घर के बाहर डांस करना शुरू कर दिया। अगली सुबह जोजो अपनी माँ जोसी के साथ बहस में उलझी होती है, जिसके कारण वो लेटर्स को नजरअंदाज कर देती है। इसके बावजूद वो अपना रूटीन जारी रखती है और अपने प्राइवेट बिजनेस हाउस की ओर गाड़ी से रवाना हो जाती है। केन और साइमन उसका पीछा करते हैं और वहाँ उन्हें कॉनी भी मिल जाती है, और वो दिखने में वैसी ही है जैसा ग्रेग ने जिक्र किया था।
साइमन इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक टीम को इकट्ठा करता है और जानकारी के साथ वो जल्दी से कॉनी और जोजो की पहचान कर लेते हैं, जिसमें ग्रेग उनकी तस्वीरों को पहचान कर उनकी मदद करता है। उस रात जोजो को नींद नहीं आ रही थी। वो किचन की तरफ जाती है जहां उसे अर्ल का नोट मिलता है जिसमें उसे शहर छोड़ने की सलाह दी गई है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, साइमन और उसकी टीम पहुंच जाती है जिसमें कॉनी, जोजो और जोसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैल जाती है और अर्ल टेलीविजन पर जोजो का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। पूछताछ के दौरान रिक और जोसी ने खुद को इन सब मामलों से अलग बताया और कहा कि वो इस स्कैम के बारे में नहीं जानते। दोनों ऑफिसर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देने के लिए कहते हैं। जोजो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे तो इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके कंप्यूटर से उसके यूट्यूब के वीडियो मिल जाते हैं। इस बीच कॉनी ने धोखाधड़ी की प्लानिंग में शामिल होने की बात कबूल कर ली, पर वो ये बात जानकर हैरान रह गई कि उसे इसके लिए 40 साल की सजा दी जाएगी। कॉनी को कहा जाता है कि अगर वो अपने ऊपर सारे इल्जाम ले लेती है तो वो जोजो की सजा कम करने की कोशिश करेंगे। कॉनी ये सुनते ही डील एक्सेप्ट कर लेती है। जोजो की बेल हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे रिहा कराया है, पर जबकि वो अर्ल है जिसने उसकी बेल के पैसे दिए हैं, जो उसका बाहर फूलों से उसका स्वागत करता है। बदकिस्मती से कॉनी उतनी लकी नहीं है। रिक उससे मिलने आता है। वो उसकी जमानत देने से इनकार कर देता है और इसके अलावा वो इस दौरान उसे डांटता है, जिस वजह से कॉनी उससे डिवोर्स की मांग करती है। इस बीच इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और नकली कूपन्स कहाँ से आ रहे हैं उसका पता चल जाता है। उन्हें अलेहान्ड्रो और रोजा का भी पता चल जाता है। हालांकि जब तक वो लोग उनका पता लगा पाते हैं, तब तक वो दोनों वहां से गायब हो चुके होते हैं। मैक्सिकन सरकार ने उनका पीछा करने से इनकार कर दिया, जिससे मामला ठंडा पड़ गया। कॉनी एक महंगे वकील को हायर करने का एक बेहतरीन डिसीजन लेती है, जो मुकदमे के दौरान जबरदस्त बचाव के तरीके अपनाता है। उसका कहना है कि कॉनी और जोजो ने खामियों का फायदा उठाया, जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अक्सर किया करती हैं। मुकदमे के नतीजे में जोजो को 10 दिन की जेल और 1 साल का प्रोबेशन मिला है, जबकि कॉनी को पेरोल की संभावना के साथ 11 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साइमन और केन इस फैसले से नाखुश हैं और वो स्टेट अटॉर्नी से जवाब की मांग करते हैं। वकील ने खुलासा किया कि कूपन्स पर ब्रांड का अधिकार है और महिलाओं के प्रति उदारता दिखाई गई, क्योंकि कंपनी किसी भी तरह के लूपहोल और इस मामले की बैड पब्लिसिटी से बचना चाहती है। इतनी बड़ी कंपनीज के लिए 80 मिलियन का स्कैम उनकी जेब में रखे चिल्लर के बराबर है। क्योंकि केस अब खत्म हो चुका है, साइमन जाने की तैयारी करता है। वो केन को एक अच्छा इंसान कहता है। उसे खुशी है कि उसे केन के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उसे अपने बर्ताव पर कंट्रोल करने की भी सलाह देता है। दिन बीतते जाते हैं, सबकी जिंदगी बदल गई है। समय के साथ केन ने लोगों से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया। पुराने बुजुर्ग कस्टमर्स के साथ तमीज से पेश आता है और उनके नकली कूपन्स को एक्सेप्ट कर लिया करता है। फाइनली अब वो हिम्मत करके एक एप्लीकेशन पर अपनी डेटिंग प्रोफाइल बनाता है। कॉनी को तलाक मिल जाता है, जो वो चाहती थी, और उसका प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट आखिरकार कामयाब हो ही गया। वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जेल में ही रह रही है, जबकि स्कैम के ज्यादातर कमाई अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली जाती है। वो लोग नर्सरी में डब्बों को खाना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जोजो ने उन बक्सों को बाहर निकाला, जिससे पता चलता है कि कॉनी हमेशा उन डब्बों के अंदर कैश छुपा रही थी। जोजो अर्ल के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है और दोनों मॉन्टेनेग्रो देश में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो एक अलग ब्यूटी ब्रांड की आड़ में एक नया स्कैम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग कॉनी की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो फिर से एक साथ मिलकर काम को अंजाम दे सके। कॉनी को भी इसका इंतजार है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।